चलिए दोस्तों, आज संडे का दिन है, रात के 7 बज रहे हैं। मैं आपको, आज छुट्टी था तो मेरे दो तीन वीडियो बने, जिसमें से एक वीडियो मैं अभी शाम को 7 बजे बना रहा हूँ। इसमें आज अंडा करी बनाएंगे आपके लिए। तो मुझे तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, बट मेरे भाई तो सहयोग करेंगे इसके लिए। उबाला है अंडा, और अंडा उबाल के आपको अंडा छीलने वाला हूँ। तो देखिए, देसी अंडा लाए थे तो अंडा बीच से क्रैक हो गया, तो इसको क्या करते हो, अंडे लिमिट में थे, इसको पानी में डालने से पहले इसको पन्नी में बांधा गया है। अब बांध के उबाला गया है, फिर भी अच्छे हैं खाने के लिए, होंगे मैं एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। और अब देखिए, अब अंडे आने वाले हैं मेरे पास। अब ये अंडे हैं, आज अंडे हैं 1 2 3 6 6 9 10 और 11 अंडे। ये देखिए, ये भी है एमरजेंसी में। तो अब ये, अब अंडे को आप उबाल तो दिए हैं। अब उबालने के बाद क्या किया जाता है कि पानी गर्म होता है, इसको पानी को फेंक के और नया पानी डाल के इसको ठंडा करके आप अंडे के छिलके निकालना पड़ेगा। तो ये अंडे छिलके को ऐसे फोड़ के आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना फेस आया है, आराम से निकालिएगा। क्या कभी कभी होता है, बहुत लोग गलती से अंडे को कम उबालते हैं, तो अंडे को कम उबालने के कारण छिलके साथ ये अंडे भी चिपक जाते हैं इसमें। तो ये ऐसा मत करिएगा। अंडा देखो कितना अच्छा फ्रेम्स मस्त निकला ना, मस्त। तो ऐसे करिएगा और कोशिश करिएगा कि अंडे के छिलके इसमें ना रहे। देखो फेस ऐसे करके आपको अंडे निकालना है। ये देखिए फेस ज़्यादा मस्त उबालेंगे, इसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करना पड़ता, अपने आप मस्त निकलेंगे। ये देखिए फेस अंडे, मजेदार। तो ऐसे अंडे निकालना है मुझे, और अंडे सस्ते हैं अभी, मेरे पास से एक दर्जन 12 अंडे के। तो देखिए, अब अंडे को उबाल रहे हैं, उबाल के अब इसको छील रहे हैं। तो ये चीज तो हमको अच्छा लगता है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। हमको तो यहाँ 70 रुपये में 12 अंडे, एक दर्जन अंडे मिल जाते हैं। बट कभी कभी हमको बुरा भी लगता है, हमारे पहले 1947 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान देश, हमारा अब भाई समझो मिश्रा भाई, आज वहाँ इतना खराब हालत है कि अंडे अंडे जैसे हमारे यहाँ 70 रुपये में 12 अंडे मिल जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ 70 रुपये में एक दर्जन 12 अंडे मिलते होंगे। फिर भी अब बेचारे क्या कर सकते हैं, अब जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहानी है, और उसमें हम सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो अब राजनीति का खेल हो जाएगा। तो इसलिए उससे उसमें ज़्यादा बात करना उचित भी नहीं है ना। तो हमको अपना देखना है और कोशिश करना चाहिए कि आदमी को अपने अपने समय में मेहनत करके कमाए खाए और देश को आगे बढ़ाए। तो देखिए अभी भी ये काम चल रहा है अंडे का छीलने का, और कोशिश करिएगा कि अंडा आराम से छीले, है ना। और ये हमारे कैमरामैन हैं भैया जी, जो मेरे तकनीकी सहयोग कर रहे हैं। क्या है, बिना कैमरामैन के भी काम नहीं चलता है, तो जरूरी है कि सहयोग से ही काम चलेगा। और ये देखिए, ये राशन है, बस ये गन्ना, सॉरी ये गन्ना भूल गया हूँ, तो इस गन्ना को भी छीलना है। और ये चीज़ मैं बात, हाँ बात निकाला था आपको कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में बोलते हैं ना अंगूर अभी खट्टे हैं, वहाँ खट्टे हैं, तो ये वहाँ अंगूर क्या अंडे भी खट्टे हो गए वहाँ पे, है ना। तो ये आपका अंडा हो गया कंप्लीट, एक अंडा बचा है आपका, इसको भी छील देते हैं। ये देखिए ना टाइट है यार, बिल्कुल ये देखिए अंडा, इतना बेस्ट अंडा। और देखो इसका क्या हाल चाल देखिएगा, ये देसी जुगाड़ है, अब बहुत जरूरी भी है। अब आपके पास जैसे दो अंडा खाना है, एक अंडा फोड़ गया, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको ऐसा काम करना पड़ता है। देसी जुगाड़ जो अधिकतर भारतीयों को पता होगा। चलिए, तो ये अब अंडा छिलना वाला काम हो जा रहा है ना। अब अंडा छिलने के बाद आपको सेकंड पार्ट में आपको अंडे कैसे उबालते हैं हो गया, अब अंडे कैसे तलते हैं ये आपको सिखाएंगे सेकंड पार्ट में। तो कोशिश करिएगा कि हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिएगा,
और नए नए वीडियो हमेशा आते रहते हैं, तो कम से कम आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।